गाइस मैं हूं अंजुबिस्ट एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। अब तुम लोग सोच रहे हो ये क्या बला है, हितेश भाई साहब रिवेंज ले रहे, ये कैसा रिवेंज है, ये क्यों है, ये कैसे है, ये क्या? सुनो मेरी बात पहले, ठीक है? तो हम लोग हितेश भाई से रिवेंज इसलिए ले रहे ना, जो मैं तुम्हें अभी क्लिप दिखाने वाला हूं, ये देखो पहले। और अब इस क्लिप में तुम देखो ना, इनने मेरे को लिटरली अपने सर्वर में बुलाया और उस सर्वर में बुला के भाई हमको हमारे एक प्यारा सा घर दिया, वो भी पूरा फुल डायमंड का। मैं खुश, मैंने कहा डायमंड का घर कितने अच्छे हितेश भाई। और उसके बाद वो असलियत में TNT निकला, उन्होंने TNT का जो टेक्सचर पैक होता है वो चेंज करके उसको डायमंड जैसा बना दिया था। और उसके बाद वो पूरा घर फटा और मैं भी उसके साथ फट गया। एंड उसके बाद मेरे पास अब घर नहीं है। और उसके ओके, तो ये 2 rupees एक्टिंग को साइड रख के आज हम लोग लेने वाले हैं उनसे अपना बदला। और भाई जो बदला होने वाला है ना, तुम लोग देखोगे ना। आओ चलो तुम्हें पहले वर्ल्ड में ले जाता हूं, उसके बाद दिखाता हूं क्या करेंगे। ओके, तो गाइज ये है मेरा वर्ल्ड जिसमें हम लोग लेने वाले हैं हितेश भाई से बदला। बिल्कुल सही। तो देखो ये है वर्ल्ड और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ना, देखो मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन ले कर दिया है। वाह क्या सीन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग बनाते हैं खतरनाक वाला कैसल, जो कि ऐसा देखो खतरनाक। और मैं हितेश भाई को बुलाऊंगा, हितेश भाई ये रहा आपके लिए एकदम प्यारा सा कासल। और मैंने इसमें कुछ ट्विक भी करा हुए इस सर्वर, इस वर्ल्ड में। तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, उनको अगर हम लोगों को कहीं पे कुछ दिख गया तो देखते हैं। यहाँ अंधेरे में अगर कुछ स्पॉन हुआ हो, ये देखो गाइस इसमें जितने भी क्रीपर्स है ना गाइस, वो चार्ज्ड क्रीपर्स है। मतलब अगर वो फटेंगे तो तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा शायद से, तो इसमें जितने भी क्रीपर्स है ना वो सारे के सारे प्रॉपर चार्ज क्रीपर है, खतरनाक वाले। ये देखो, तो गाइस देख रहे हो ज़ॉम्बी फुल डायमंड आर्मर पहन के आता है और उसके ऊपर साथ ही डायमंड स्वॉर्ड। तो इससे मैं उनको दूंगा झांसा, पहले मैं खुद को एक बार मार देता हूँ। ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, इसमें सारे के सारे जो बंदे होंगे ना वो भी खतरनाक एकदम होंगे। तो मैं हितेश भाई को यहां से लेके जाऊंगा पूरा वहां पर कासल तक का। तो इसलिए मेरे को यहां से एक रेल ट्रैक बना के लेके जाना है। तो पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पहले एक रेल ट्रैक बना लेते हैं प्रॉपर। ठीक है, हम लोग को एक रेल ट्रैक बना के लेके जाना है, बट यहां से नहीं। मैं सोच रहा हूं इस पानी के ऊपर से हम लोग एक रेल ट्रैक बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, ओके। तो गाइज ऑलमोस्ट हो गया है, बस एक बारी हम लोग इसको टेस्ट रन देंगे इसके बाद। ठीक है, फिर बस दुआ करेंगे कि अरे यार ये कहां से आ गई। चलो ठीक है, और ये इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। अरे जाना यहां से, बिल्कुल भाई जहां जाओ वहां आ जाती है। चलो ठीक है, तो अब हम लोग इसको एक टेस्ट रन देने वाले गाइज। चलो देखते हैं कि क्या हमारी जो रेल कार्ट है, जो मतलब ये जो हमने इतना खतरनाक बनाया है, क्या ये काम कर रही है। और पता है क्या मेरे को डर क्या लग रहा है, कि बस रास्ते में ना ऐसा ना हो कि कुछ बम पटाके बच जाए। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, एक माइंड कार्ट निकालते हैं। ठीक है, आई होप ये काम करते। देखो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग यहाँ से हितेश भाई को भगाएंगे फटाफट, और चलो चलो हितेश भाई जल्दी चलो जल्दी चलो करके, और उसके बाद यहाँ से सीधे भगाते हुए ले जाएंगे अपने कासल के बिल्कुल रास्ते पे। देखा भाई, ये देखो बस मेरे को डर यही लग रहा है कि रास्ते में जैसे क्रीपर रीपर होना तो वो फट ना जाए, बस मेरे को बस वही डर लग रहा है। अभी देखते हैं, जैसे ये देखो ये क्रीपर है, ये ऐसे पास आके फट ना जाए एकदम से। अभी तक तो बढ़िया काम कर रही है हमारी रेल ट्रैक एकदम प्रॉपर। ये सुअर उवर भी आ जाएंगे ना रास्ते में। चलो चलो चलो, बढ़िया 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 बढ़िया, एकदम सही ले जा रही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और ये ट्रैक करके बिल्कुल रास्ते पे छोड़ देगी। तो क्या नाचोगे? तो ये तो हो गया गाइस रस्ते का, ये सिर्फ रास्ता हुआ है कि अब मैं कैसे हितेश भाई को लेके आऊंगा यहाँ पर, बट असलियत में मैं उनको बेवकूफ कैसे बनाऊंगा अब मुझे वो देखना है। तो देखो मैंने यहाँ पर ना जो ये बना रखा है, पहले तो हम लोग इस कासल को पूरा बनाते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले कैसल को पूरा बनाते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा चौड़ा थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे कैसल। तो 1 2 3 अरे 4 5, ठीक है। तो हम लोग उसे 6 हाइट बना रहे पहले। ठीक है, तो पहले मैं सारी की सारी इनको फटाफट से ऐसे करके खींच लेता हूँ। ओके, तो गाइस हम लोगों ने ना इसको बस हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो हमारे टावर का ना बेस तैयार कर दिया है। तो देखो कितना कूल सा लग रहा है अभी से टावर। अब बस हमको इसकी छत बनानी है, और छत तो एकदम खतरनाक वाली कूल बनाएंगे। तो मैं क्या सोच रहा था ना, सबसे पहले क्या करते ना इसको अंदर से थोड़ा ऐसा अलग सा थोड़ा सा बनाते कि अंदर से दिखने का ऐसा डोम जैसा लगे पहले। तो देखो उसके लिए तो बहुत ही ईजी तरीका है कि हम लोग वो करेंगे जो ऐसा कोन वोन बॉल बनाते टाइम करते हैं माइनक्राफ्ट में। ओके, तो गाइस ये भी मैंने खींच दिया। देखो अभी के लिए देखते हैं सामने से टावर कैसा लग रहा है। ओ भाई भाई, सामने से तो बहुत कूल लग रहा है। एक बार अंदर से भी देखते हैं, रुको पहले ना यहाँ पर से इसको ऐसे करके बना देते हैं, ये दरवाजा होगा। ओ भाई अंदर से भी कितना गजब का लग रहा है भाई भाई, इसमें तो फंस जाएंगे भाई अपने हितेश भाई आराम से। ठीक है, तो अब लेकिन इसके ऊपर का मैं सोच रहा था ना टावर जो होगा ना, टावर थोड़ा सा अलग चीज़ से बनाते हैं। तो मैं सोच रहा था हितेश भाई का फेवरेट कलर है रेड,
तो हम लोग कुछ रेड कलर से करते ताकि उनको भी मजा आए, उनको लगे अरे भाई यार मेरा फेवरेट कलर यूज हुआ है, अब तो अंदर जाना ही पड़ेगा, और जब अंदर जाएंगे तो ये बस अब सही लगना चाहिए सामने से। भाई 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 कितना कूल लग रहा है देखो टावर, भाई लेट्स गो गाइस। हितेश भाई तो आराम से इस चीज में फंस जाएंगे भाई, कुछ भी बोलो भाई, भाई आराम से भाई, कुछ मेरे को ज्यादा मेहनत करने की भी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी हितेश भाई को, क्योंकि यार रेड कलर इतना ज्यादा पसंद है और उनको अगर मैं एक टावर दे दूंगा रेड कलर का तो तुम सोचो उनका क्या हाल होंगे भाई। ओके तो गाइस अभी के लिए तो देखो थोड़ा दिखने का थोड़ा ठीक ठाक हो गया है, तो अब अंदर से इसको थोड़ा सा हम लोग कर दे, देखो अंदर से कितना कूल लग रहा है भाई, भाई अंदर से क्या ही गजब चीज लग रही है। बट जल्दी से यहाँ पर थोड़े लैंटर्न्स लगा देते हैं ठीक है, इससे पहले कि देर हो जाए भाई। ओके तो गाइज मैंने पूरा का पूरा कमरे को देखो रेड वूल से भर दिया और कितना कूल लग रहा है भाई। तो ये देखो, तो ये हो गया, अब वो जब अंदर जाएंगे तो उनको दिखेगा वाओ कितनी मस्त चीज। एक मिनट रुको यार ये क्या हो रहा है अबे साले। तो देखो ये होगा हमारा मेन एरिया, देखो यहाँ पर तो बाकी सब हम लोग कुछ भी अभी लगा देते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बनाएंगे हम एक राजगद्दी, और जिस राजगद्दी में वो जैसे ही बैठेंगे वो जाएंगे सीधे नीचे लुपुक करके, और लुपुक करके जाने के बाद उनके साथ क्या होगा वो तुम लोग अभी देखने वाले, थोड़ी देर में रुको। तो गाइज मैं पहले ना उस चीज को बनाता हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, और उसके बाद में तुम लोगों को समझाता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। ओके तो गाइज वेलकम बैक, देखो थोड़ा टाइम लग गया मेरे को इसको बनाने में, बट एक्चुअली तुम लोगों के लिए तो ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि गाइस देखो अब मैंने क्या किया, मैं देखो ये हटा रहा हूं मैं ठीक है, तो मैंने वही सेम जो ग्रैंड ने किया था वही वाला किया मैंने हर्मिट क्राफ्ट में। अब देखो मैंने क्या दिमाग लगाया ठीक है, तो क्या है सीन कि सिंपल सा है कि ये वाला जो पिस्टन है ये एक्टिवेटेड और इसके ऊपर ग्रेवल लगी हुई है ठीक है, तो जो भी बंदा इस प्रेशर प्लेट के ऊपर बैठेगा या फिर खड़ा होगा कुछ भी करेगा तो वो बंदे सीधे इस प्रेशर प्लेट को दबाएगा और ये टॉर्च जाएगी नीचे और ये पिस्टन जो है ये हो जाएगा डीएक्टिवेट और उसके बाद होगा जादू। देखो मैं एक बार टेस्ट रन लेते ठीक है, देखो इसके ऊपर आएगी हमारी एक चेयर ठीक है, तो वो चेयर क्या होगी तुमको पता है कि चेयर कैसी होती है भाई, माइनक्राफ्ट वो सबसे बनती है अगर तुम लोगों को पता है, अगर नहीं भी पता है कोई बात नहीं ठीक है। तो देखो तो जैसे ही बंदा इसमें क्लिक करके बैठने के लिए जाएगा ठीक है, देखो पहला पूरा बंद कर देते ठीक है कि मतलब ये कैसी दिखने वाली है, थोड़ा सा बस एक ही चीज यहाँ पर सस्पिशियस रहेगी, ये कारपेट अलग से पूरे रूम में ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं ऐसे कर दूं ठीक है, तो देखो ऐसा लगेगा कि अरे भाई चेयर के लिए बनाया हुआ है। तो देखो जैसे ही हम लोग इसमें राइट क्लिक करके बैठेंगे ना, ये देखो वो डीएक्टिवेट हुआ और हितेश भाई सीधे नीचे पटैक करके, और यहां पर होंगे हमारे क्रीपर जो कि उनका बूम बाम बजा देंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। मैं फटाफट से इसको वापिस से बनाता हूं। अब दोनों साइड से यहाँ से और यहाँ से हम लोग लगाएंगे बर्च का, ये रहा तो ये हम लोग लगाएंगे बर्च का ट्रैप डोर ताकि ये लगे एकदम चेयर जैसी ठीक है, और वैसे हम लोग सामने से भी लगा सकते थे है ना, बट ये फिर दिख जाएगा तो इसलिए नहीं लगाते ठीक है। सामने से हम लोग कुछ और ट्राई करेंगे, जो भी आइडिया हम लोगों का आएगा वो देखते हैं ठीक है, और उसके बाद पीछे से तो हम लोगों को भाई वही चाहिए ट्रैप डोर, वो भी ओके ठीक है, डार्क ओक के ट्रैप डोर। तो ये इसको तोड़ देते हैं और ये देखो ठीक है, तो ये देखो अब लग रही है ना मस्त एकदम चेयर जैसी गजब की ठीक है। और एक और चीज़ ना, इसके आगे से हम लोग कोई टेबल बना देंगे ताकि और ध्यान ना जाए, फिर वो तो सबसे कूल चीज़ हो जाएगी ठीक है। बस एक लास्ट चीज़ें कर लेते हैं छोटी छोटी, जैसे कि हमको चाहिए होगा एक आइटम फ्रेम गेरा और एक डायमंड का ब्लॉक ठीक है, जस्ट टू लुक मेक इट लुक कूल। एक काम करते हैं, हितेश भाई का फेवरेट रेड कलर है ना, तो हम लोग रेड स्टोन का ब्लॉक निकालते हैं ठीक है। तो देखो पहले हम लोग एक आइटम फ्रेम लगाएंगे, उसमें लगाएंगे रेड स्टोन का ब्लॉक और इसको करेंगे ऐसे सीधा, और उसके बाद हम लोग लाते हैं एक बैनर जो कि है रेड कलर का बैनर ठीक है, और वो बैनर इसमें मार देते हैं ऐसे ऐसे ठीक है। तो ये देखो कितनी कूल लग रही है भाई, ये चेयर दिखने की कितनी ज़्यादा कूल लग रही है, बस हितेश भाई को इसमें आके बैठना है और ओके तो गाइज मैंने पूरा का पूरा सजाना कर दिया है कंप्लीट। देखो बाहर से तो कुछ ऐसा खतरनाक चेंज नहीं दिख रहा होगा तुम लोगों को, वही सेम एकदम दिख रहा होगा, लेकिन अब देखो अंदर क्या किया है मैंने। तो जब आप अंदर एंट्री मारते हो ना, और शेडर जोन है मेरे को पता है, वो थोड़ा सा मैंने कूल लगने के लिए बनाया। तो देखो जब आप अंदर एंट्री मारते हो तो यहाँ पर आपको दिखता है वाओ कितना कूल दिखने का यार, अपना लाइब्रेरी है, यहाँ पे बुक एंड क्विल रखा हुआ है वाओ। ओ इस साइड पर अगर तुम ध्यान दोगे तो एक गोल्डन और एक चेन मेल का आर्मर, क्योंकि पुराने जमाने में चेन मेल के आर्मर और ये सब गोल्ड के आर्मर बहुत चलते थे। और ये देखो अगर तुम देखोगे ना, दोनों के दोनों कपड़ों में ना मैंने लगा रखा है बूट्स में फेदर फॉलिंग 3। अब तुम लोग
समझ गए कि फेदर फॉलिंग 3 क्यों लगाया, देखते हैं अगर उससे हमारा डैमेज जो है वो गिरने का कम हो जाता है या नहीं होता है, ठीक है। और बाकी सब तो तुम लोगों को वैसे ही नॉर्मल दिख रहा होगा, बट यहाँ देखो ये है हमारी टेबल हितेश भाई के लिए, और ये देखो यहाँ पे कैक्टस है, यहाँ पर एक लैंटर्न है, और फिर से बुक एंड क्विल, और ये हमारी प्रजा के बैठने के लिए जगह, और ये एंड रॉड और बाकी सारी चीजें, वो ट्रॉफी और उसके बीच में खतरनाक वाली तलवार। तो गाइस देखो अभी के लिए तैयारी तो हो गई भाई, तुम लोग खुद बताओ कमेंट्स में मेरे को, लिटरली तुम लोग यार इतनी कूल जगह पे बताओ तुम लोग बैठना पसंद करते नहीं करते यार, झूठ मत बोलना। ओके तो गाइस यार थोड़ा टाइम ज्यादा ही लग गया, बट ये तैयार है। देखो जैसे ही हम लोग यहां से गिरने वाले ना, जैसे ही हम लोग यहां से गिरेंगे, हम जाएंगे इस गड्ढे में और चारों तरफ होंगे क्रीपर जिनका नाम है बीबा। यस, इनका नाम है बीबा, ठीक है। तो ये चारों के चारों फटना शुरू होंगे, और उसके बाद हितेश भाई की जो चिथड़े उड़ेंगे चारों तरफ, और मेरे कानों को मिलेगी शांति। क्या बढ़िया था गुरु, मुझे दिखाया गया था डायमंड और पेला गया था टीएनटी से, तो क्रीपर तो तब भी चार है, एक पूरा घर टीएनटी का बना हुआ था। बाय गॉड भाई, बेडरॉक खुद गई थी पता तुमको मेरे बारे में। तो यार देखो यहां से हम लोग जैसे गिरेंगे सीधे यहां पर बीच में इसके, ठीक है, क्योंकि वही है कि वो तो बैठे होंगे ना एक चीज में। तो अब एक बारी लास्ट ट्राई मैं देने वाला हूं इसको सर्वाइवल में, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये सेम टू सेम वही है, ठीक है, तो हम लोग गिरने वाले, गेट रेडी गाइस, देखते हैं क्या होगा। मैं जा रहा हूं सर्वाइवल में, हे भगवान ये काम कर जाए, क्योंकि ये प्लान जैसे काम करा ना उसके बाद तो देखो तुम लोग, हमारा बस एक ही छोटा सा काम बचेगा उसके बाद। चलो देखते ट्राई करते। इतनी खुशी ओ भाई, हितेश भाई के तो चित्रे उड़ने वाले भाई, भाई मेरे को नहीं पता भाई हितेश भाई के चित्रे उड़ने वाले भाई, अब आएगा ना मजा भिड़ू, लेट्स गो भाई। ओके तो गाइस अब मेरे को जाके उसको पूरा का पूरा बनाना है, और ज्यादा कुछ काम नहीं बचा है, अब बुला के लेके आते हैं हितेश भाई को और उनसे लेते हैं अपना बदला। ओके तो गाइज मैंने ना हितेश भाई को बुला लिया है, और हितेश भाई कभी भी आते होंगे, तो हम लोगों को बस थोड़ी देर वेट करना है और देखना है कि हितेश भाई कब ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद बेटे हम तो आ गए बेटे, स्वागत तो करो हमारा। ओ मैं कह रहा बेटे रात हो रखी है। अरे हितेश भाई, हितेश भाई हेलो, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क के लिए बुलाया हितेश भाई, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज अमावस्या की रात है, और छुप के रहना, पीछे देखो अपने, पीछे देखो पीछे अपने, पीछे देखो, वो देख रहे हो वो डायमंड, ये कौन है पांडु आदमी, ये आज अमावस्या की रात है और आपको मैंने अपना कैप्टन बनाने के लिए बुलाया है, जो हमारा सारा वॉर का देखेगा। अरे यहाँ पर क्या होता है ना, मतलब भाई वॉर तो छोड़ो, एक सेकंड रुको, वॉर छोड़ो यार, उनके पास में गोल्डन कह रहा हूँ, उनके पास डायमंड वाला भाई, हम नंगे आदमी है भाई। वही तो है कि आज रात को सारे के सारे ज़ॉम्बी, सारे के सारे मॉब सुपर पावर हो जाते हैं। देखो इधर को, इधर को, इधर आओ मेरे साथ आओ, वो देख रहे हो आप, वो पीछे क्रीपर देख रहे हो, वो चार्ज देख रहे हो आप, ओ भाई साहब, भाई मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हम लोगों को क्या कर रहे हैं, हम लोगों को इनको हराना है, तो आप मेरे साथ आओ हितेश भाई, जल्दी आओ हितेश भाई, इससे पहले ही हमको मारे। yes. भागो, मार दिया हितेश भाई, दूर भागो। अरे यार तो भाग लिया, तुम कहाँ चले गए, अरे आप कहाँ भाग गए हितेश भाई, मैं तो भाग गया, आपने कहा भागो, मैंने कहा भागो, अरे हमको ये रेल ट्रैक से जाना है, आप कहाँ हूँ, रेल ट्रैक पे ही हूँ, देखो मैं, देखो वो दिखे दिखे, मैं वही आ रहा हूँ, भागना नहीं था, इधर बैठो जल्दी बैठो हितेश भाई, इसमें बैठो, अरे रेल ट्रैक पे वही तो करते, लो 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 जल्दी बैठो, वो आगे पीछे से आगे, जल्दी बैठो जल्दी बैठो, मम्मी धक्का मारो भाई, बच गया, ओ नहीं मुझे मत मारियो प्लीज, नहीं बच गया, अरे तुम काहे मर रहे भैया, भागो हितेश भाई, मतलब भागो क्या, हम तो ट्रैक पे बैठे, मैं तो आराम से जा रहा हूँ भाई, बिल्कुल चिल्लो के चिल्लो के चिल्लो भाई, वो देख रहा हूँ हितेश भाई, दूर से दिख रहा है आपको एक चीज, और ये तो मारने आ रहे हैं भाई, ओए चढ़ रहे मुंह के ऊपर, ओ भाई ए जाओ रे शू, मुझे पीछे फेंक दिया, वापस फेंक दिया मुझे, अरे मुझे वापस फेंक दिया भाई, आपके बिल्कुल पीछे, अरे भाई आपके पीछे एक स्केलेटन पड़ गया, अरे क्रीपर आ गया मेरे पीछे, सात मुल्कों की पुलिस पड़ी है भाई, ये क्या चीज है, अरे भाई भाई किला बनाया, देख रहे हो आप, आपका फेवरेट कलर रेड, वो देख रहा कैसे है ये, तोड़ दो क्या, नहीं नहीं ये है ना बटन है ना छोटा सा, ये दुकान कहाँ है बटन, अच्छा ये ओ छुपा के बना रखा है भाई, ताकि ज़ॉम्बी क्रीपर, बेटे ये पूरा आपके लिए किला है, ये हमारे आप सेनापति बनोगे ना
तो वो आप ही के लिए किला है पूरा, ठीक है। अभी आप बस चेयर पे मत बैठना, वो चेयर भी आप ही के लिए। वैसे इसमें कुछ नहीं लिखा है तेज भाई, मतलब थोड़ा जल्दीबाजी में बनाया ना, बहुत तेज हो रहे हो हैं। तो यस, ये किला आप ही के लिए पूरा, ये आपका आर्मर सब कुछ जो आपको चाहिए, जैसे चाहिए आपको वो आपकी यार एक सेकंड पीछे जो आप जीतने वाले हो आगे जाके। और ये गंदा माल क्यों दे रहे हो मेरे को यार, सड़ा पुराना बिल्कुल यार। डायमंड डायमंड लेके आओ, कुछ बढ़िया माल लेके आओ यार, मतलब जैसा होता नहीं वो, थोड़ा समझ रहे हो, जल्दीबाजी में थे ना। ए तू क्या देख रही है भगिया से, ओए ए ए भाई, ए वो हमारी जासूसी करने आ रखी थी पिछवाड़े मारो, चलेगी चलेगी, भगा दिया आपने, तभी तो आपको रखा है ना यार, आप सेनापति बनोगे यार, यहाँ की रक्षा करोगे आप। हिमतेश भाई अच्छा मार दूंगा मैं तेरा, मतलब बंदों का है ये लोना। हिमतेश भाई पहले मैं आपकी आरती उतारू, इधर आओ, रुको रुको हिमतेश भाई इधर आओ, पहले आपकी एक आरती उतार दूं मैं, ठीक है। ओ आइए पधारिए नए हमारे सेनापति, आइए पधारिए नए हमारे सेनापति, ओ हमारे सेनापति, नए हमारे सेनापति भाई। अरे आपका मुंह चला गया, अच्छा इधर हो, ठीक है। यस सुनिए, अरे इसको बंद करो ना हिमतेश भाई यार, ऐसे आप यार आप तोड़ा फोड़ी मत करो, आप सेनापति हो यार, आपको कायदे से यहाँ बैठ के कहानियां वो करनी है। सुनिए अच्छा। ओए मम्मी भाई वो क्रीपर का, मैं बच गया, लेकिन मैं बच गया। जिंदा कैसे हो, कुछ भी भाई आप जिंदा कैसे हो भाई, साथ में ऊपर वाला हो वो जरूर बचता है भाई, क्या बात है, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो रहे बेटे, कर झांक रहे ऊपर से भाई, गलत भाई आप जिंदा कैसे हो भाई, मैं भाई वैसे कुदरत का भाई करिश्मा है जो भाई, आई एम सॉरी यार, ये क्या है ये, क्यों नहीं है भाई भाई नीचे वो भी देख रहा है यार, ओ रे पागल हो गया, अब ये मारेगा यार भाई, दूर जा शू भाई, भाई आप जिंदा कैसे बच गए मेरे मेरे प्लान से, मैंने इसको 10 बार टेस्ट किया था यार भाई, यार भाई मैं तो बच गया भाई, चार्ज क्रीपर लगा के भाई हमको भाई, भाई यार भाई। आप जिंदा कैसे बच गए, मैंने 10 बार ट्राई किया था यार, मैंने लिटरली 10 बार ट्राई किया था, ये जिंदा नहीं बचने चाहिए थे यार, देख रहा है हमारा कुदरत है भाई, और ना ही ये देखो क्रिएटिव में यार, इनको चोट भी लग रही है, कैसे भाई कैसे बेटे, मजा आ गया तुम्हें देख, एक सेकंड रुको, तुम्हें ये दिख रहा है सामान, ये दिख रहा है ये, हाँ जी ये कुछ है, हाँ ये दिख रहा तुमको, इसको बैठा देंगे ठीक है, फालतू काम मत करो हमारे साथ में, बैठ जाओ इसके ऊपर, हाँ बैठ जाओ, चुभन महसूस हो रही है, जी सर पिछवाड़े भी दर्द हो रहे सर, हैं इधर दिखाओ, इधर आओ घूमो, काफी गंदे गंदे हाल हो गए पीछे तो यार, अरे वो देखो भाई, वो देखो वो देखो वो देखो भाई, वो एक बार दरवाजे पे देखो, ओ भाई ये क्या, हमारी बात सुन रहा था वो भाई, यहाँ पे हर जरा ये ऐसा बंदा क्यों, ये एक सेकंड इधर जरा आओ, ये क्या सीन है ये बताओ, हाँ ये क्या कर रखा है यहाँ पे, ये क्या कर रखा, व्हाट इज दिस हग्गा हो भी, अरे मैंने तो कुछ किया भी नहीं भाई, भाई ये लगा रखा है भाई, मुझे नहीं पता भाई, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई, मेरी गलती नहीं कुछ होगा इसमें, क्या है हिमतेश भाई इतनी देर लग रही है, आप लिख रहे हो क्या इसमें, नहीं ये क्या है भाई, तुम पता नहीं क्या क्या कर जा रहे हो यार, रुको जरा, अच्छा बात नहीं है ये, क्या ये सुसु ओपी भाई, यार तुम ये कर लो यार, वैसे मेरा प्लान खराब हो गया, ऊपर से ये कर रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ भाई, मैं डिस्कनेक्ट भाई, अच्छा काम वैसे किया नहीं है यार तुमने, बेचारे बच्चों को नीचे गिराया भाई, पता मैं ऊपर से गिर रहा था, मैं कितना दया आ रही थी अपने ऊपर, चलो हिमतेश भाई इसको अंदर ले चलते, चलो हिमतेश भाई अब इसको धक्का मारो इसको, अब इसको बनाए थे यहाँ का राजा, ये लो हग्गू राजा, इसका नाम रखना पड़ेगा ना कुछ यार, हाँ, ऐसे तो अच्छा बात, ओए भगवान तुमने ये कर रखा है यहाँ पे, यार फिर गिर गया यार, क्यों किसी को वफा के, वैसे मतलब मैंने वफा कब की वैसे यार, मैंने खुद गिराया था भाई, आपने खुद मेरे साथ जो किया था हितेश भाई उसका तो मैं बदला नहीं ले पाया, आज पता नहीं कैसे आपकी किस्मत हो गई, आपको क्रीपरों ने मारा ही नहीं भाई, मैं बदला तो मतलब बच गया मतलब है ना भाई, क्या किस्मत है यार आपकी भाई, वो कायदे से वो सही बदला नहीं हुआ ना, मरे तो सही लेकिन आप उस टाइम में नहीं मरे जो मैंने चाहता, पता नहीं कैसे जिंदा, इतनी मेहनत की मैंने यार, मैंने खुद मर मर के ट्राई करा पता है उसको खुद मर मर के ट्राई करा था मैंने, मुझे नहीं पता यार देश भाई, मैं जा रहा हूँ बाय बाय, भैया सुसु पोटी लगी हाथ तो धुलवा दो, मम्मी कर ली